गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू द सनबीम स्कूल सुल्तानपुर। ऑनलाइन क्लासेस विल बी स्टार्टिंग एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर द टॉक्स अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी। बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट what is democracy and features of democracy. We discussed two features of democracy: rulers elected by the people take all the major decisions, and free and fair electoral competition. In this video we discuss third feature of democracy: one person one vote one value. Four feature of democracy, first थी आपकी रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन एंड फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन एंड वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। एंड योर फोर्थ फीचर रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। फोर्थ फीचर वी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, अदर वेज जो डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं। फर्स्टली इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच गिव अस द पावर टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव। इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट वो फॉर्म है जो पावर देती है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके, लोगों को पावर देती है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने और इलेक्ट कर सके जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। इट प्रोवाइड्स अस विद द राइट सच एज वोटिंग राइट, हमें वोट करने का राइट दिया था तभी तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे। इट रिप्रेजेंटेटिव आर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय गिविंग देम वोट्स इन इलेक्शन विच आर कंडक्टेड एवरी आफ्टर फोर एंड फाइव ईयर्स आफ्टर फाइव ईयर्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जो अधिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो वोट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्शन में वोट्स करते हैं, उसे रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाते हैं। विच आर कंडक्टेड एवरी, जो अधिकतर फाइव या फोर ईयर में होता है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, हमारी कंट्री में ये फाइव ईयर्स में होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई हैज डेमोक्रेसी बिकम द मोस्ट प्रीवेलेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स। डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा फेमस क्यों हो गई? बिकॉज डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीवेलेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट फॉलो बाय द मैनी कंट्रीज टूडे। कई कंट्रीज इसलिए फॉलो की जाती है। दिस इज बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट द पीपल आर ऑफर्ड विद ऑल इक्वल फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि लोगों को इक्वल फंडामेंटल राइट्स है। ईच एंड एवरी वन हैज सम और द अदर ड्यूटी टू फॉलो, सबको सेम ड्यूटी दी गई है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एवरी वन लिव्स हैप्पी एज एवरी वन गेट्स अ इक्वल अपॉर्चुनिटी, सब हैप्पी रह सकते हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। एंड एंजॉय लग्जरियस लाइफ, सबको अच्छी लाइफ जीने की इंजॉय कर सकते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री नो मिस्टेक लाइक करप्शन और बर्बिस कुड बी हिडन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो करप्शन है वो काफी लंबे समय तक नहीं हाइड और छुप सकता। आल्सो ड्यूरिंग द बिल पासिंग प्रोसेस देर इज अ पब्लिक रूम वेयर द रिप्रेजेंटेटिव रेस्टिफाई द मिस्टेक्स एंड मेक करेक्शन। देर आर सम केसेस वेयर द पीपल themselves आर नॉट एबल टू अटेंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर जैसे कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है या कोई बिल पास करना है तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पब्लिक रूम में जाकर उस पर डिस्कशन करते हैं, फिर वो बिल पास होता है। मतलब ऐसे नहीं होता था, उस पर डिस्कशन होता है कि राइट है रॉन्ग है, जो हमारे पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है उस करके वो बिल पास होता है। नाउ सो दैट्स व्हाई दे डेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु कुड अकोमोडेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इस तरह जो रिप्रेजेंटेटिव क्या कहते हैं, वो जो डिसीजन प्रोसेस है डिसीजन लेते हैं और तब उसको पास करते हैं उस बिल को। नाउ कम टू द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी और थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। फर्स्ट टू फीचर्स वी डिस्कस और प्रीवियस वीडियो, इन दिस वीडियो वी डिस्कस थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ
पॉलिटिकल इक्वलिटी, जो डेमोक्रेसी है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल पे है कि सबको इक्वल पॉलिटिकल इक्वलिटी दी गई है। हाउएवर देर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ द इक्वल राइट, सबको इक्वल राइट टू वोट, सबको इक्वल राइट दिया वोटिंग का। अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव टू राइट टू वोट। 2015 में सऊदी अरेबिया में जो वुमेन्स थी इनको वोटिंग का राइट नहीं था। सो एस्टिनो हैज मेड इन सिटीजन शिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू द रशियन माइनॉरिटी फॉर्म इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट लाइक दिस। अदर में भी ऐसे इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ इंडियन फिजियन, डेफिनेटली नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो द फिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी दिस हाईलाइट्स इज दैट इन अ डेमोक्रेसी, जो ये सब ये हाईलाइट करते हैं, इज दैट इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट इन अ टर्न, ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, यानी सबका एक वोट होगा और सबके वैल्यू की जो उसकी एक ही वैल्यू होगी। इसके लिए क्या करा गया, एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कही गई, सबको इक्वल राइट दिया गया कि सबको वोटिंग करने का राइट है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके। इससे डेमोक्रेटी क्या होती है, इससे पावरफुल डेमोक्रेसी बनती है, जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक पावरफुल डेमोक्रेटिक तभी बन सकती है जब वहाँ पे इक्वल राइट टू वोट, सबको इक्वल राइट हो वोटिंग करने का। तो इसके लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी काफ़ी जो कंट्रीज हैं वो अपनाते हैं, जिससे सबको इक्वल राइट मिले वोटिंग का। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।